यही दिल्ली में बाल्मीकि बच्ची के साथ हुआ। जहां जहां अन्याय हुआ वहां वहां प्रियंका गांधी राहुल गांधी खड़े रहे। आज हम सब की जरूरत है कि हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को पुनः मजबूत करें और इस तानाशाही आह्वान है और प्रशासन से मांगे कि हमारे नेता प्रियंका जी को तुरंत रिहा किया जाए और जिसने भी हत्या की है किसानों की कुचल कर मारा है उनको तुरंत फांसी की सजा हो, फास्ट ट्रैक में उनका मुकदमा चले और ये जो गुंडा हत्यारा जो केंद्रीय मंत्री है जिस पर हत्या का आरोप है उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बंदे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जैसा कि आप लोगों को विदित है हमारे कानूनों का विरोध कर रहे थे जब इन्होंने देखा कि किसान अपने शांति तरीके से नहीं मान रहे हैं, किसान अपनी ताकत पर लगे हुए हैं। पीछे पीछे ऐसा ये हमारा ज्ञापन है जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी को है। आज जो लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा जो हत्या की गई है वो भी 50 लाख मुआवजा मिले और हमारी मांग है कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी। आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामले बताएं? आज हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को लखीमपुर में उनके जो किसान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किसान शांति पूर्वक आंदोलन कर रहे थे 3 कृषि बिल वापस करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के अजय मिश्रा के बेटे के द्वारा और अन्य नेताओं के द्वारा किसानों पर जबरन जो है गाड़ी चला करके उनकी हत्या कर दी गई है। तो कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता प्रियंका गांधी जी उनसे मिलने गई तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन ने उनको जो है गिरफ्तार कर लिया है। लगातार मतलब 3 दिन हो गए हैं, लेकिन संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और गरीबों किसानों की लड़ाई क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि किसानों के जो परिवार मृतक के जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले, उन्हें सरकारी नौकरी मिले, जो घायल हैं उनको 50-50 लाख कम से कम रुपया मिले और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जाए, वरना कांग्रेस पार्टी बड़ा सा बड़ा आंदोलन करेगी और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।